चाचू व्लॉग देखना जरूर। मानी जी को कट रहा है आज, अंगूठा कट गया मुझसे इसका ना, कट के अलग हो गया। हाँ सॉरी बेटा, मार दिया यार मुझे बच्चे का अंगूठा काट के, भाभी बैंडेड भी लगाई देखना। इतना किसने काट दिया तेरा हाथ? माँ होती है ना वो काट पीट सकती है, कोई और बच्चे को मारता है तो माँ को दुख होता है ना, जब खुद मारती है तो कितना अच्छा लगता है। कभी आपको चुम्मी करेगा जेगा? ओह माय गॉड, सारा खाना छीन लेता है। अरे मैं छप्पर नहीं पहन सकता, मेरा व्रत है। जिम्मी ने किया है तुम्हारा जोरदार स्वागत। भाई वो एक बार उसको देखने को चुप हो गया। क्या हो गया? मेरे दांत टूट गया। भाई के जूते पहन लिए हमने, पीछे से इनको पकड़ा। क्या बोल रहे हो तुम? वेलकम बैक टू व्लॉग। तो आज करती हूँ, बहुत सैड होने वाले क्योंकि चच्चू चले गए हैं और चच्चू बना रहे मेरा व्लॉग। वो भी चच्चू चले गए और चच्चू बना रहे व्लॉग। नितिन चच्चू, नितिन चच्चू कहाँ चले गए? नितिन चच्चू घर चले गए और धीरे चच्चू चला रहे हैं। धीरे चच्चू बना रहे भाभी कह रहे कि नितिन चच्चू घर चले गए हैं और धीरज चच्चू व्लॉग बना रहे हैं। धीरज थोड़ी है बेटा, ये रियल लिल पॉकेट मनी ले ले। नाराज है चीकू नितिन चच्चू। देख चीकू भाई के कितने सारे कड़े हैं मेरे पास, दिखाऊं? ये सब लोग गिफ्ट देके गए ना, देख कितने सारे हैं। तेरे पास भी नहीं थे इतने जितने भाई के आए हैं। देख चीकू का है भाभी? चीकू के बचपन के हैं भैया मेरे पास, जो मैंने खुद से खरीदे थे। ये देख ये सारे भाई के हैं। ये देख कितने जोड़ी हैं, 1 2 3 5 6 7 7 जोड़ी है। तो ये काम करेंगे ना, ये तीनों को हम बच्चों को ना एक एक हाथ में बांधेंगे। देखो सेम है ना, तीनों बच्चों को बांधेंगे। अभी से इतनी ज्वेलरी होगी बच्चों की। चीकू एक बात सुन लो ध्यान से। क्या? नितिन चच्चू नहीं है ना, मेरी क्लास नहीं लगनी चाहिए। ठीक है ना, मुझे तंग तो नहीं करोगे ना? नहीं। पक्की बात है? पिंकी प्रॉमिस करो। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते पिंकी प्रॉमिस। ये क्या चिपका लिया जी, ऐसे करो ये, इसका मतलब तंग करोगे, पिंकी प्रॉमिस नहीं कर रहे है ना। तो गाइस चीकू अब बहुत ही समझदार हो गया है, सुबह ही सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दिया लड़के ने। चीकू खोलना इसको, खोलो तो। चीजें मतलब? अरे ची, मैं सोचा इसमें बुक्स है। इतने छोटे बैग में बुक्स आ सकती है? और क्या आ सकती है, छोटी बुक्स आ सकती है। क्या हो गया चीकू, उंगली में क्या हो गया? अरे एक बार मैंने नेल्स काटे थे इसके, गलती से वो थोड़ा सा स्किन की तरफ से कट गया। देखो लाल लाल हो रहा है ना। मानी चीकू को ड्रेस कब आई थी? ये जब 1 साल का भी नहीं था, भाई थी। अच्छा तो ठीक है, जब जन्माष्टमी आएगी तो शायद को ये पहनाऊंगी। 16 नंबर। अभी अभी चीकू को पहना के तो देख लो। बेटा ये आपकी ड्रेस है, ये पजामा पहनूंगी थोड़ा सा छोटा है, ये पहन लूंगी। हाथ करो, पहन तो लेगा भैया। देखो साथ लेगा, साथ फाड़नी बेटा, नहीं फाड़ेंगे। यादगार है ना आपकी। खाना क्या खाएगा, राजमा चावल खाएगा? क्या खाएगा? फोन तो कर लो, फोन जी चाचू को तो कोई मतलब नहीं जाने के बाद। चीकू चाचू ने फोन किया था पहुँच के? नहीं, कोई मतलब नहीं। क्या हो गया चाचू, बेवफा हो गए तुम? चाचू भूल गया। क्या भाभी, ले चाचू से बात कर ले। अरे चच्चू ने पोच के फोन भी नहीं किया, एक सेकंड। कोई बाहर जाएगा ना तो ज्यादा बेवफा होगी क्या? पोच के फोन क्यों नहीं करा चच्चू? ज्यादा बेवफा होगे। हाँ भाई हमें फोन नहीं किया तुमने कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे। नहीं वो तो हमें पता, अभी उठे पर बताना तो फर्ज बनता है कि घर पहुंच गए सही सलामत। ये लो पायल से बात करो, कह रहा अभी उठाऊं। चीकू को याद भी नहीं कर रहे आप, क्या बात है? चलो कोई नहीं, अनुज भैया तो है ही चीकू को याद करने के लिए। कोई बात नहीं, आप नहीं भी आ रहे तो कोई बात नहीं। ले बात कर। हाँ जी। ले, ले आज अंगूठा कट गया मुझसे इसका ना, कट के अलग हो गया। हाँ बात कर ले, बता दे दर्द। दोनों चच्चू भतीजे एक ही बात। बात कर ले। वो इसे को भाव नहीं दे रहा, वो इसको भाव नहीं दे रहा। एक दूसरे को मार दिया यार मुझे, मम्मा ने मार दिया। मम्मी तो छोड़ दे, ले निकाल दिया मैंने। भाभी बच्चे का अंगूठा काट के भाभी बैंडेड भी लगाई देखना, बच्चा खुद ही लगा रहा है। काम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही करते हैं बेटा। इतना किसने काट दिया तेरा हाथ? मम्मा ने। कोई बात नहीं बेटा, जन्म दिए ना, थोड़ा बहुत काट पीट सकते हैं। तो माँ होती है ना वो काट पीट सकती है। अब एक बात बताओ, कोई और बच्चे को मारता है तो माँ को दुख होता है ना, जब खुद मारती तो कितना अच्छा लगता है। कभी कभी ले अभी तो उठा था बेटू, उठा आपको चुम्मी करेगा जेगा। अभी सो रहा है भाभी। अनबिलीवेबल, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि चीकू इतना समझदार हो गया और इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। खुद ही दवाई पी रहा है, खुद ही बैंडेड लगा रहा है। बड़ा भाई हो गया ना अभी चीकू, कहीं में सपना तो नहीं देख रहा? अब चीकू दवाई पी है उसने, प्रोटीन थोड़ी पिया।
ओह माय गॉड, ऐसा क्या था इस दवाई में? मैं भी पी लेता हूँ। कहाँ बैग टांग के घूम रहे हो? ये बैग टांग के कहाँ घूम रहे हो? ऊपर जिम जा रहे, जिम का जिम ये थोड़ी लेके मैं हूँ भाई। सुनो हेलो, निंजा थोड़ी हो गए इस टाइम नहीं जाते जिम, वापस हो रहे हैं जिम का। ऐसा नहीं शाम को ऐसे शाम को जाना चीको जिम का शौकीन। भाभी बच्चा इतना समझदार हो गया, खुद ही बैंडेड लगा रहा है, खुद ही दवाई ले रहा है। क्या ये दवाई तो अपना पी लेता है। तीन आज मैंने तीन डक्कल लिए। क्यों बेटे? एक आज थोड़ी सी डक्कल। अभी खाना क्या खाएगा ये बता, मन है कि नहीं है? तो मन नहीं है। अंडा ऑमलेट बना दो, एक है एक ऑमलेट बना के खा ले। भाभी दो नंबर पे नितिन नहीं है, हमारी क्लास लगा देगा भाभी अकेला। कोई बात नहीं, नितिन जलता, तुम भी तो खेल के देखो कैसा है क्या है। ठीक है भाई, कुछ नुकसान कर दिया तो नुकसान कर दिया तो मेरे को फोन कर दे। खाना छीन लेते हैं, खाना छीन लेते हैं। अभी भेज रही हूँ ना, मुझे बता दें। आपको बोला आप खा सकते हो? ठीक है मैं खा सकता हूँ। और छीनता कौन है, कौन छीनता तुम्हारा खाना? अरे यार कुछ छीनता है, कुछ है असामाजिक तत्व है देखा चिंता क्या। चलो आ जाओ, तू चप्पल पहन लो भाई। अरे मैं चप्पल नहीं पहन सकता, मेरा व्रत है। व्रत है? अरे भाई ये ड्रामे मत करो चीकू। और ये भाई ये हथौड़ी क्यों ले जा रहे हो? ये क्या काम है इसका? क्या कील ढूंढ लेंगे कहीं? कोई भी भाई रहने दो, कोई भी तू मौन जो मम्मी कोई भी बदतमीजी कर रहा, बदतमीजी से बनाती है। अरे यार ये देखो चीकू, चीकू जिम्मी ने किया है तुम्हारा जोरदार स्वागत। यो बेबी जिमू, जिमू देखो कौन आए हैं हमारे, जिमू देखो क्या हो गया भाई। वो एक बार उसको देखने उठ चुकू यार, वो कोई छानबीन कर रहा है उसकी, पता नहीं क्या रहा है, क्या ढूंढ रहा हूँ वो, कोई कीड़ा ना काट रहा। अरे भैया एसीपी प्रदुमन, ये क्या जांच चल रही है यहाँ पे? क्या इतना कचरा पड़ा है बताना चीकू, यहाँ पे सब कचरा एकदम टोटल। अरे मेरा टॉय ढूंढ रहे हो क्या? अरे चीकू इतने टॉय इसमें भरे पड़े हैं ये। अरे यार देख रहे ना यार, और इसमें क्या है? अरे यार इसमें पता नहीं क्या लड़का हाथ में। अरे यार भाई चीकू इनको रख दो यार, ये कचरा है सारा। अरे तंग आ गया हूँ मैं इस लड़के से, 5-10 मिनट में ही मेरी हालत कर दी है। नितिन चच्चू भी क्या करते होगे तुम? अरे भैया अब कहाँ जा रहे हो? जा कहाँ रहे हो भाई? सल्यूट है उसे तो, दंडवत प्रणाम है। कहाँ जा रहे हो? अरे अभी कहाँ जा रहे हो भाई? नीचे कहाँ भैया? और नीचे नहीं बोला है, सेकंड फ्लोर तक की परमिशन थी बस। चीकू चलो ऑमलेट खाओ, आ जाओ उधर बैठते हैं। ये दिखाना, ये हाथ दिखाना, हाथ दिखाओ, ये हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ पहले। ये देखो भाई, ये देखो चीकू, ये रख दो रख दो, ये पूरे हाथ और ये कपड़े खराब कर देंगे। रुक जा पहले, हैंड वॉश करो, चलो आ जाओ। अरे मुझे सॉस भी नहीं भेजी यार। अरे यार चीकू मम्मा ने भेजा है, ऐसे खाते हो तुम? नहीं ऐसे नहीं खाते हैं। सॉस के साथ है तो ठीक है, अभी सॉस मंगाता हूं। तो गाइस चीकू का पक्का बेस्ट फ्रेंड जो है चीकू के साथ खेल रहा है। चीकू हां जी, कैसा लग रहा है आपका दोस्त का ये हेयर स्टाइल? अच्छा है अच्छा लग रहा है ऐसे तो। अच्छा लग रहा है ना चीकू? अच्छा लग रहा है। किसने कराया चीकू? राहुल, हां भाई हैंडसम हैंडसम। चीकू ये आ गया आपका कैचअप। हां जी हां जी, डन डन ऑमलेट डन। यस डन डन, आजा मैंने खाया आजा इस। क्या बात है ये, क्या हो गया? मेरे दांत टूट गया। ओह माय गॉड, मैं छोटू सा दांत दे ऐसे कर चुकू। इसको छत पे रख दे, कौवा ले जाएगा। क्यों छत पे रख दे, कौवा ले जाएगा? क्या बोल रहे हो तुम? आज मैंने मंदिर में रख दिया है वो, देखो भगवान जी को विश किया कुछ प्रेरणी की कोई भी ऐसे करो। कौन सा टूटा है? सही है चीकू, अब नए नए दांत आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना चीकू का खाना भी आ गया, लंच का टाइम हो गया, चीकू खेल के आ गया। तो चीकू आ जाओ। चीकू बोल रहे मम्मा मैं राजमा चावल खाऊंगा, तो मैंने बोला बेटा आपकी फेवरेट भिंडी बनी फ्रेश है, एक रोटी खा के देखो, अगर अच्छी नहीं लगती तो राजमा चावल तो खिलाऊंगी खिलाऊंगी। ठीक है तो चीकू इतना गुड बॉय बन गया, जल्दी आ गया जल्दी आ गया। चलो चलो चीकू, ये क्या क्या भर रखा है तूने? तो ये लेके घूमता है सारा दिन? सारा दिन कंधे पे ये बैग टांग के रखता है सारा दिन, क्योंकि आपने दिलवाया था। और मैंने दिलवाया था तो, पर ये थोड़ी बोझ लेके घूमेगा। अरे नहीं मम्मा चल नहा ले फटाफट इसको। तो गाइस इसको शावर करा देती हूँ, खाना तो खिला दिया टाइम से, क्योंकि लड़का ना जब तक इसको मुंह में ना धो ना ये खाना नहीं खाता। और पिछले 2-3 बार ना ये ना जैद की दवाइयाँ पी चुका कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे भी ये वाली दवाई दे दो, मुझे भी ये वाली दवाई दे दो। जैद की दवाई मत ले, अगर वो छोटा है तो 7 साल का। ठीक है ठीक है, आगे से बात करियो है।
गाइस मैं अपना सामान सारा समेट के रख रहा हूं क्योंकि बहुत गंदा सा हो रहा है। थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए चीकू को अपना नाम ले रहा है। थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए थोड़े शूज पहना देते हैं। और ये शूज किसके हैं? मेरे हैं पुराने। चलो पहनाते हैं। आपने ये नहीं बताया अपने ऑडियंस को कि आपने आज अपने भाई को वो उसने वेट कर दिया था, सुसू कर दिया था, तो पूरा क्लीन किया आपने खुद से? हाँ जी। बताओ ऑडियंस को। क्लीन कर दिया था मैंने पूरा। पहले कह रहा है मम्मा मुझे ग्लव्स दे दो थोड़ा। मैंने कहा ग्लव्स का क्या करोगी? मम्मा मैं क्लीन कर देता हूँ ना, ग्लव्स दे दो। मैंने कहा बेटा बच्चे का टॉयलेट ना पानी जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप हाथ से क्लीन करो। ओ देखो हंस रहा है, हंस रहा है। मम्मा बड़ा जिद्दी है। नहीं है ना फाइल? देख गोलू मम्मी बना दिया। मम्मी को आदत हो गई ना हैंडल करने की, तो मम्मा इसको ओ पहन लिए जूते, भाई के जूते पहन लिए। चलो फिर घुमाने लेके चलो इसे। पूछ कहाँ जाएगा बेटा? कहाँ जाना है? चलना है घूमने? चलना चाइना। पागल है क्या? पागल है क्या? क्लब बोल रहे हैं? हाँ। क्लब बोल रहे हैं क्लब। हाँ, चीकू गया था कल। चीकू के साथ क्लब जाने? चीकू कल क्या किया तूने वहाँ पे? कल जब इसने बोला ना अरमान मलिक इन द हाउस बेबे, उसे पूछा ने पापा क्यों नहीं बोला? पापा क्यों नहीं बोला? सबके लिए तो अरमान मलिक है, मेरे लिए तो पापा है इसलिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसने दिमाग तो पूरा है इसके अंदर। कल ना मुझे ना कमेंट, मतलब कल नहीं आज वाले ब्लॉग में कमेंट आया कि ना लोग कह रहे थे जैद ना अपना हाथ खोल के रखता है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल भी कंजूस नहीं बनेगा, होल हार्टेड होगा और जितने भी लोग होंगे सबकी मदद करेगा, ऐसे करके रखता है ना पैर अपने हाथ, तो किसी का कमेंट आया था। तो आज चीकू जाने वाला एक पार्टी में, पार्टी किसकी है? टाइसन भाई जो है हमारे, हमारी बेटी का जन्मदिन है, तो चीकू जाएगा वहीं पार्टी करने के लिए। उससे पहले हम जा रहे हैं, वो है आपके लिए सरप्राइज। चीकू चले, थोड़ा सा हिंट बता दो पापा। नहीं रास्ते में बता दी। अब हम जा रहे हैं एक किसी को लेने, वो है मेहमान। गाइस आप हिंट देना कौन है वो मेहमान? हिंट देना नहीं, हिंट बताना, आप बताना वो कौन है। हिंट देना थोड़ी होता है, हिंट तो आपने दिया ना। तो गाइस मेरे दांत टूट रहे थे ना, तो मैंने ना भगवान जी के पास रख दिया और मैंने विश मांगी कि मेरे दोनों भाई बहन सही है। सही है या हो? हाँ सही हो। तो आज मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी और भी है, चीकू का ब्लॉग भी मैं ही बना रहा हूँ क्योंकि नितिन गया हुआ है और बहुत दिनों के बाद गया है वो, कम से कम और 5 से 6 महीने होंगे, और इस घर का सबसे होनहार लड़का है वो, सारी जिम्मेवारियाँ समझता है, सारे उसके ऊपर बोझ है। चीकू की जिम्मेवारी सबसे बड़ी बात है, चीकू की जिम्मेवारी होता है ना। चीकू चाचू की बता रही है? कितनी? रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा बेटे, रो मत। तो सफी भाई एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं और हमें पहुँचने लोग 10 मिनट, वो भी अभी अपना लगेज वगैरह लेंगे, घर के पास ही है हमारा एयरपोर्ट पे ना चीकू। हाँ जी पापा, जब पायलट उड़ाते हैं तो उनको क्या खाने के लिए दिया जाता है? अच्छा खाना खाते हैं और हम उनको ट्रेनिंग मिलती है वो प्लेन उड़ाने की। हर किसी को ट्रेनिंग मिलती है, जैसे बच्चे होते हैं उनको खाने की ट्रेनिंग देते हैं, हम चलने की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मैंने जब गाड़ी सीखी थी तो मैंने खुद सीखी थी, वैसे सिखाया था लोगों ने, हम देखने भी सीख जाते हैं। जब प्लेन होता है ना उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि ना एक प्लेन चलाने के लिए हमारे ऊपर कम से कम 500 आदमियों की जाने हमारे हाथ में होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत पढ़ाई चाहिए होती है, भरोसा चाहिए होता है, फिर उसके बाद सीखना भी पड़ता है, पता है? क्योंकि जब हम उड़ाएंगे फ्लाई करेंगे तो समझो एक फ्लाई कर रहा है और वो कितने लोगों की जाने लेके उड़ रहा है, कम से कम 150 तो बैठते होंगे इसमें, ज्यादा बैठते हैं। अच्छा ज्यादा बैठते हैं। तो गाइस जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक इतना होता है, जब हम कहीं नहीं जाते जब ट्रैफिक होता है, क्या जिंदगी है यार हमारी। तो कल चीकू गया था हमारे साथ क्लब और इसने वहाँ क्या धूम मचाई है, क्या गाने वाने गाए, स्टेज पे भी इसने बहुत सारी एंकरिंग की है, डायलॉग बोले, गाना गाया, अरमान मलिक इन द हाउस। तो गाइस पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसलिए मुझे भूख लग रही थी, मैंने शॉप से मैंने खा लिया। सफी भाई तब लैंड किए थे जब हम घर पे थे और अब तक सफी भाई ना यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो गाइस आप भी एक हेल्प कर जब आपको स्ट्रीट डॉग दिखे। खा रहा क्या? हाँ जी खा रहा है, देखो खा रहा है। तो गाइस यहाँ पे बिस्किट नहीं थे, बहुत भूख लग रहा था तो मैंने इसको सैंडविच खिला दिया। नीचे रख के बैठ, अगर हम इसको परेशान करेंगे ना तो हमको ही काट लेगा। तो हम आए सफी भाई को लेने के लिए और सफी भाई हमें अंदर दिख गए हैं और हम उसको यहाँ से सरप्राइज देंगे, ठीक है चीकू? ओके ओके। तो अभी आने दो, आ जाओ। सफी भाई दिख गए हमें, उनको हम नहीं दिखे, और आ जाओ। अरे बाप रे।
हमने पीछे से इनको पकड़ा। तो गाइस फाइनली सभी भाई पहुंच गए हैं, और सभी भाई नीचे जब उतरे थे, मतलब कि फ्लाइट से उतरे थे, हम जब घर से चले थे, और यहाँ आने के बाद भी हमने 20 मिनट वेट किया, पता नहीं इनका सामान कहाँ गुम हो गया था। एक छोटा सा बैग था भाई, उसको आने में इतना देर लग गया बस। पर हमने तुम्हें सरप्राइज दिया पीछे से पूरा। पीछे पता है, जल्दी जल्दी निकल रहा था, उतने में आ गया। तो फाइनली सभी भाई पहुँच गए सोसाइटी में, और सोसाइटी से सभी भाई बहुत अच्छे से वाकिफ है ना चिकू? यस यस। हाँ, कोल्ड ड्रिंक छुपा ले, ऊपर मम्मी मारेगी। अच्छा देख, तूने कोल्ड ड्रिंक, ये भी कोल्ड ड्रिंक वाला पहना, स्प्राइट, पता है? स्प्राइट। कोल्ड ड्रिंक की ब्रांडिंग चल रही है। हेलो भैया, कैसे हो? हाय भाभी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, बिल्कुल सही। आपका सफर बढ़िया बढ़िया, कुछ तबियत सही है, एकदम बढ़िया। हाँ, वर्कआउट डिसाइड कर दिया क्या आपने? नहीं, बिना वर्कआउट फिट हो ये मेटाबॉलिज्म इतना खत्म। मैं आपको, हाँ एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत जल्दी, मेरा जो मेटाबॉलिज्म है ना बॉडी का, बहुत जल्दी जाते हैं। हाँ आई आई बेटा, तो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे पार्टी में जाना। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ टू फ्लोर पे, मेरी ट्रेन पड़ी तो वो लेने जा रहा हूँ। हाँ जी बच्चे, क्या ढूंढ रहे हो यार? 13 फ्लोर पे चीज रखी हुई। क्या चीकू? यार मैं फटाफट ले गया तो चीकू, ऐसा मत करो। ये लेस देखो, ये लेस खुल रही है, एक सेकंड रुक जाओ पहले। हाँ जी, हाँ जी, ये इतना तैयार होके कहाँ चल दिए? पार्टी, पार्टी ऑनलाइन कहाँ पे? चीकू यार डेली पार्टी, मतलब कल भी पार्टी में थे, आज भी पार्टी में। डेली पार्टी ऑनलाइन, ये। हाँ जी सर, क्या रह गया? चलो अब यार मम्मा वो बताएंगे ना ड्रेस कैसी है। ड्रेस तो बता दी भाभी ने, एकदम हीरो लग रहे हो एकदम। योहानी सिंह, योहानी सिंह। हाँ जी सर, ये तो बता दो कहाँ जा रहे हैं हम? तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। नहीं, अपनी बर्थडे पार्टी में ना, अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। टाइसन चच्चू की बर्थडे पार्टी में, टाइसन चच्चू की बेटी के बर्थडे पार्टी में। तो ये बोलो ना, बेटी का तो सेम होता है ना। अरे यार चीकू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अच्छा हैप्पी बर्थडे गुड़िया। अच्छा आपको हैप्पी बर्थडे भाभी। हेलो चीकू, हाउ आर यू? हाँ जी, ये भी था ना उसमें सॉन्ग में था ना, चीकू वाले में है ना ये, मुझे पहचान गया, पहचान मुझे, स्कूल नहीं जाना। अरे दोनों थे चीकू, इसको तो मैं भूल ही नहीं सकता, ये था, ये था उसमें, ये बार बार मेरे पास आ रहा था कि मुझे भी नाचना, साथ में मुझे भी नाचना। अभी तो बड़ा वो हो रहा था उस टाइम, चीकू स्टैचू बन क्यों? तो गाइस ये चल रहा है गेम अभी, और गेम के बाद केक कट होगा, फिर चलेंगे हम घर। तो चीकू फाइनली केक कट होने वाला है। मेरे बर्थडे में कौन सा केक आएगा, इनके बर्थडे में कौन सा केक आएगा? तुम्हारा बर्थडे तो अभी आएगा चीकू। मम्मा का कॉल आया, सुबह स्कूल भी जाना है बेटा, चलो घर चलते हैं। नया माय नया जा रहे भाभी, सुबह स्कूल जाना है बच्चे। नहीं यार अभी तो रहने दो है? मेरे बच्चों ने भी स्कूल जाना है। अच्छा, इसको भी स्कूल जाना है, भाभी का कॉल आया है। रहेगा ना, अच्छा नहीं लगा चीकू तुझे? दोनों हाथों से बाय बाय कर रहा, देखो मैं बातें सुन ले। ए चीकू, मैं नहीं खाऊंगा। तो गाइस पार्टी हो गई, डन, अब जा रहा हूं मैं घर, क्योंकि स्कूल जाना है सुबह। भाभी क्या गिफ्ट लाए हो? भाभी आपके लिए सरप्राइज दे, गोलुमा का पहलवान दोनों का। भाभी ये गिफ्ट दिया है, एक जैद का है, एक चीकू का। नहीं नहीं, सुंगा के बोल रहे हो? सुंगा के सुंगने वाली चीज है क्या? नहीं तो मतलब बोल रहा है कि वो खाएगा तो है नहीं, छोटा है ना। अच्छा खा लूं, अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। ठीक है बस थोड़े, और तीन तीन चीजें मिली आज तो तुम गिफ्ट वाली है भैया। ओहो इतना सारा सामान, ओहो तूने खोल के नहीं देखा था? नहीं देखा। तो बाय बाय गाइस, फिर इतना समय का आप करो, बाय बाय।